वेट, पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, जलील जनरल स्टोर, खुगाखेल का एक बड़ा और मशहूर जनरल स्टोर। पांच दोस्तों, स्टोर के मालिक जलील, टैक्सी ड्राइवर बासित, इलेक्ट्रीशियन बिलाल, बिजनेसमैन माज और आई एम साइंस के निकम्मे बिजनेस ग्रेजुएट असद ने ये अनप्लान ट्रिप अचानक से प्लान किया। बस फिर क्या था, बैग्स पैक किए और स्ट्रेस और बोर्डम दूर करने के लिए निकल पड़े मरी की तरफ। चूंकि लंडीकोतल आने जाने के लिए आपको तारीखी खैबर पास से गुजरना होता है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी सी झलक खैबर पास की भी दिखाई जाए। मरी पहुंचे तो पहले से ही डिसाइडेड था कि हम मरी के सबसे मशहूर और प्राइम लोकेशन पे वाकया होटल माउंट हेवन में ठहरेंगे, जो कि माल रोड से सिर्फ 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे है। कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हज़्ब रवायत बासित और जलील ने संभाली। संडे की शाम को जब हम माल रोड की सैर को निकले तो वी वर थिंकिंग कि चूंकि संडे को पूरे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन होता है तो शायद वहां कोई भी ना हो, बट टू आवर सरप्राइज वहां भी टूरिस्ट की काफी तादाद थी। फैमिलीज के साथ आई हुई बच्चों को देखा तो सोचा कि अगर ये मरी आ सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं जा सकते। वाह रे कुदरत, क्या तेरे करिश्मे हैं। So right now we are here at GPO Chowk. माल रोड के हॉटस्पॉट GPO Chowk पहुंचे तो रश और भी ज्यादा था। यंगस्टर्स को सेल्फीज लेते हुए और टिकटॉक बनाते हुए आपके भाई को भी शौक चढ़ा कि एक पश्तो में एक कैंडिड और इनफॉर्मल सी इंटरव्यू आप लोगों के लिए भी की जाए। मुंगोस GPO Chowk मरी क्यू और फका फिर रश थे गुजारा का दाऊ पर जवाना नाचती सही है।
सपने मूडम आप है स्टडा है जीपीओ चौक हालांकि कोरोना पेंडेमिक दे लॉकडाउन हम दे वो जने टूरिस्ट इस मुंग जुमुम का शान जब भी कोशिश कराए दे जाने से तरीका बने रही स्थल और आने से दिल्ली तो डेर अच्छा खबर है यार एंजॉयमेंट इज एवरीथिंग जीपीओ चौक से निकले तो रोड पे खड़े 3D मोशन राइड वाले भाई साहब ने हमें ज़बरदस्ती पकड़ा और अपनी गेमिंग जोन में घुसाकर एक बेकार सी गेम ज़बरदस्ती खिलवा दी। गेम खेलने के बाद पेट पूजा का बंदोबस्त करने के लिए एक अफगानी बच्चे के शॉप पे चले गए और कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स अपने साथ लिए। Yogurt and help thick the yo. Disposable glass is a me open zara ka. Partial lockdown. In Mari. Bas us ni mass is mal road band. Lag apne hi mass ki. Coke aur Lays balik enjoy wo. Pata se frame hai. डाउन टू अर्थ इंसान ने गुजम का नाश था भाई बहनो लास्ट की बोल रहा हूं वीडियो की तरह ऐसे बोला अगले दिन शाम 4 बजे हम केपीके के पुरफिजा मकाम अयूबिया की तरफ निकले। मौसम काफी सुहाना था, ठंडी हवाओं ने एहसास ही नहीं होने दिया कि साल का सबसे गर्म महीना जून चल रहा है। रास्ते में बच्चों ने गिला किया कि भाई आप तो सिर्फ पहाड़ों की वीडियोस बना रहे हो, हमें भी तो अपनी वीडियो की जीनत बनाओ। बस फिर घुमा दिया कैमरा उनकी तरफ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक हम बंदरों में से इवॉल्व हुए हैं। आसान जुबान में कहूँ तो चाचा डार्विन फरमाते हैं कि बंदर हमारे अबाव अजदाद हैं। मुंह तो बंद करो अंकल। पहुंचे तो कुछ लोग तो ताश खेलने में बिजी रहे जबकि कुछ जेंटलमैन खाने की तैयारी में लग गए।
एक शिनवारी होने की वजह से मैंने हर किस्म के बारबेक्यूज खाए हैं, चाहे वो मटन के बने हुए हो, बीफ के या फिर चिकन के। बट जलील भाई के हाथ के बने हुए टिक्कू में जो मज़ा है उसका कोई सानी नहीं। सो हेयर इज़ द बोनस टिप फ्रॉम माय साइड, अगर आप कभी लंडी कोतल आए और जलील के हाथ के बने हुए टिक्के नहीं खाएं तो फिर आप लंडी कोतल आए हैं क्यों? मेरी बात समझ तो गए होंगे आप। वापसी का सफ़र स्टार्ट किया तो फॉग ने हमारी वापसी को 4 नहीं बल्कि 8 चांद लगा दिए। हसीन वादियाँ और भी प्यारी और बेपनाह खूबसूरत नज़र आने लगी। ज़रा सी ठंड बढ़ी तो मुझे अपने लेदर जैकेट की याद शिद्दत से आने लगी। इसके अलावा भी हमने इस ट्रिप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और मज़े किए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट कैप्चर देम इन द कैमरा फॉर यू। हरफ़ आखिर, ये एक प्रॉपर ट्रैवल व्लॉग नहीं है बल्कि कैजुअली में शॉट की हुई वीडियोस को कंपाइल करने की कोशिश है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दिस इज़ असद खान साइनिंग आउट। खुदा हाफिज़।